आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 11th फिजिक्स का प्रथम चैप्टर जिसका नाम है भौतिक जगत। इस चैप्टर का मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता रहा हूं, इसे ध्यान से देखें और इसे याद करें। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है भौतिक शास्त्र है, यानी आपको बताना है कि भौतिक शास्त्र क्या है। विकल्प है भौतिक विषयों का अध्ययन, दूसरा भौतिक वस्तुओं का अध्ययन, तीसरा प्रकृति के विभिन्न घटनाओं का अध्ययन और चौथा विकल्प दो और तीन दोनों। तो यहाँ दिया भौतिक शास्त्र क्या है, तो ध्यान देना है कि भौतिक शास्त्र के अंतर्गत हम क्या करते हैं, भौतिक वस्तुओं का अध्ययन तो करते ही करते हैं, इसके साथ प्रकृति के विभिन्न घटनाओं का भी अध्ययन करते हैं। अतः तो आपका विकल्प दो और तीन दोनों सही है, अतः आंसर हो जाएगा आपका चार। अगला क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन थे। आपको बताना है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन थे। विकल्प है जेसी बोस, दूसरा विकल्प है एच जे भाभा, तीसरा एम एन शाह, चौथा सर सीवी रमन। तो ये तो आपको सिंपल याद होगा कि प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय वैज्ञानिक थे सर सीवी रमन। अगला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण का खोज किया, यानी आपको बताना है कि गुरुत्वाकर्षण खोज किसने किया। विकल्प है हैंस वेथे ने, दूसरा आइंस्टाइन ने, तीसरा न्यूटन ने और चौथा रदरफोर्ड ने। तो गुरुत्वाकर्षण खोज किया था न्यूटन ने। इसी ने बताया था कि जब ऊपर से कोई वस्तु गिरती है तो सीधे नीचे की ओर आती है और यह कार्य गुरुत्वाकर्षण के द्वारा ही होता है, उसने सेव पर क्या प्रैक्टिकल करके बताया था। अगला क्वेश्चन है रेडियो धर्मिता का खोज किसने की, यानी रेडियो धर्मिता का खोज किसने किया था। विकल्प है चैडविक ने, रदरफोर्ड ने, बेकर ने या रुंटगेन ने। फिर से सुनिए क्वेश्चन, रेडियो धर्मिता का खोज किसने किया था, चैडविक ने, रदरफोर्ड ने, बेकर ने या रुंटगेन ने। तो इसके याद कर लें जेम्स चैडविक जो थे यह न्यूट्रॉन का खोज, जैसे एक आपको ट्रिक बताते हैं द गोपचन, इसे याद कर लेंगे द गोपचन का मतलब द यानी इलेक्ट्रॉन का, थॉमसन इलेक्ट्रॉन का खोज किया था, गो गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन का खोज किया था, चैडविक ने न्यूट्रॉन का, गोपचन एन आता है तो चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज किया। तो याद करें चैडविक न्यूट्रॉन का खोज किया था, रदरफोर्ड तो परमाणु का खोज किया था और बेकरेल ही था जो क्या किया था रेडियो धर्मिता का खोज किया था। तो आपका आंसर हो जाएगा यानी तीन नंबर, बेकर ने रेडियो धर्मिता का खोज किया और रंजन तो एक्स किरण का आविष्कार किया था, एक्स रे का आविष्कार किया था। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार हुआ। आपको बताना है कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था। विकल्प है 1942, 1946, 1947 या 1948। तो आपका आंसर होगा कि प्रथम कंप्यूटर जो इलेक्ट्रॉनिक था इसका आविष्कार 1946 में हुआ था, विकल्प नंबर दो सही है। अगला, अब्दुल सलाम को निम्न से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। अब्दुल सलाम को निम्न से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। विकल्प है अणुओं द्वारा प्रकाश का अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन, दूसरा है दुर्बल तथा बेहद चुंबकीय बलों का एकीकरण, तीसरा अति चालकता, चौथा लेसर तकनीक, यानी किसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो आपका आंसर हो जाएगा दुर्बल तथा बेहद चुंबकीय बलों के एकीकरण के कारण, यानी विकल्प नंबर दो सही है। अगला है टेलीविजन का आविष्कार किसने किया, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया। विकल्प है राइट ब्रदर, मुलर ने, बेयर्ड ने या गोडार्ड ने। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया, तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है जिसको बहुत सारे लोग जानते हैं। तो जे एल बेयर्ड ने क्या किया था, टेलीविजन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन द ब्रांगली संबंधित है, ये काफ़ी भी क्वेश्चन है, ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। द ब्रांगली संबंधित है जर्मनी से, इंग्लैंड से, फ्रांस से या अमेरिका से। आंसर होगा फ्रांस से द ब्रांगली संबंधित है, वैज्ञानिक हैं जिसने द ब्रांगली का सिद्धांत दिए थे। अगला है परमाणुओं के नाभिक का खोज किया था किसने, न्यूटन ने, थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने या मैक्सवेल ने। परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने किया था, इसे रदरफोर्ड को परमाणुवाद का परिणेता भी कहा जाता है। अगला है द्रव्यमान ऊर्जा की तुल्यता किस वैज्ञानिक ने स्थापित की, द्रव्यमान ऊर्जा की तुल्यता किस वैज्ञानिक ने स्थापित की, जूल ने, न्यूटन ने, आइंस्टाइन ने या फैराडे ने।
तो द्रव्यमान ऊर्जा की जो तुल्यता थी इसका स्थापना जूल नामक वैज्ञानिक ने किया था। जूल द्रव्यमान ऊर्जा होगा, द्रव्यमान आइंस्टीन होगा, सॉरी आंसर होगा आपका आइंस्टीन। इसने ई बराबर एम सी स्क्वायर एक दिया था सूत्र, जिसमें द्रव्यमान ऊर्जा के विषय में संबंध बताया था, आइंस्टीन इसका आंसर होगा। अगला, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे अधिक निर्बल बल है, गुरुत्वाकर्षण बल, वैद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल या प्रबल नाभिकीय बल। तो याद कर लें कि प्राकृतिक पाया जाने वाला सबसे अधिक निर्बल जो बल है वह आपका एक नंबर गुरुत्वाकर्षण बल। अगला, प्रबल नाभिकीय बल वैद्युत चुंबकीय बल की अपेक्षा होता है 100 गुना क्षीण, 100 गुना प्रबल, 10^6 गुना क्षीण या 10^6 गुना प्रबल। तो इसको याद कर लीजिए, यह होता है 100 गुना प्रबल, यानी विकल्प नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए तो आज इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में मात्र इतना ही क्वेश्चन दिया गया है। फिर मिलते हैं हम लोग कल अगले वीडियो में।